बारिश में पहाड़ों में जो रहता है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ कहीं से टूट जाते हैं, किसी का घर बह गया, कहीं पुल बह गया, कहीं रोड बह गई, तो पहाड़ों में ये चीज़ आजकल होती रहती है। तो ये चीज़ बरसात के टाइम में पहाड़ों में बहुत रिस्क रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता। हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहलाद एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे हो? तो सब बड़े होंगे, आप पाने एकदम स्वागत है आप सभी का मेरे नई ब्लॉग और उत्तराखंड के खूबसूरत सी वादी मेरे गाँव को सबसे। तो अभी सुबह की हाट बदरी हमारी पंचायती चौक में, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है खेल रहे अपने कूड़ी कूड़ी वाले, मैंने पहली बार सुना ये वाला गेम। अभी मैं हूँ पंचायती चौक में, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ने गेम खेल रहे हैं, लुक लुक्की छुपी, क्या क्या कहना, लुक्की छुपी, क्या वो सुबह से आज इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना, मतलब सुबह 6 बजे लग गई थी, अभी तक बारिश बंद ही नहीं हुई तो देख सकते हो आप इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही। और गांव में एक मीटिंग थी आज, SDM का यहाँ पे दौरा था और वो भी कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो भाई बारिश बहुत तगड़ी हो रही है और हमारा अभी अचानक प्रोग्राम बन गया कि यहीं पे आज खाना बनेगा, तो यहीं बनेंगे आज कढ़ी चावल और लिंगड़ा की सब्जी, और ये देख लो पहाड़ी बटर मिल्क छाँस पे आ गई, और यहाँ पे बनेगा अभी 7-8 आदमी का हमारा खाना, मतलब ये भी एक पिकनिक टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा पहाड़ी स्टाइल में कढ़ी होगी और लिंगड़े होंगे और भात होगा कुकर में। भैया शाम की 4 बज रही हैं और सुबह 6 बजे से कंटिन्यू बारिश हो गई थी, तो अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं रहा, अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है, देख सकते हैं आप हल्की सी बारिश लगी हुई है, कोहरा कैसा उठ रहा आप डाना काटों से देख सकते हैं, और वहाँ से भी जो है झरना आने बैठ चुके हैं, और गदेरा को कंडीशन आप देख सकते कितने तगड़े वाले हो रुके, और इस बारिश में पहाड़ों में जो रहता खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ कहीं से टूट जाते हैं, नदी ज़्यादा आ जाती है, और पहाड़ों में घर भी क्या रहते हैं सीढ़ीदार खेतों के ऐसे रहते हैं कंडीशन, तो आगे पीछे से टूटने का खतरा ज़्यादा रह जाता है, और जिनकी खेत जिनका मकान जो है ना ऐसे सीढ़ीदार खेतों में धार में बोलते हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, और जो नदियों के किनारे रहते हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और वैसे भी आजकल हिमाचल में आप देख रहे होंगे दिन पर दिन कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा, कहीं किसी का घर बह गया, कहीं पुल बह गया, कहीं रोड बह गई, तो पहाड़ों में ये चीज़ आजकल होती रहती है। तो ये चीज़ बरसात के टाइम में पहाड़ों में बहुत रिस्क रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है आजकल पहाड़ों में, और नदी आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी वाली होगी, और वीडियो बनाते बनाते ना अभी फिर से बारिश चालू होगी तगड़ी वाली। भाई बारिश की जो कंडीशन सुबह थी वो अभी शाम के 5 बज गए, अभी भी वही कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है बारिश में, जो थी वही है, और SDM आने वाले थे क्योंकि उनका वो था, क्या बोलते हैं, जनता दरबार इसको बोलते हैं SDM का हमारे गाँव में, वो था, तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी, रोड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ब्लॉक हो गए थे कहीं, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और हमने उनका पंचायती चौक में बैठे थे हम लोग, तो अभी बोलेंगे कहाँ जाएँ क्या जाए, तो सारे लड़के लोग इकट्ठे हो गए, वहीं पे खाना पीना खाया, बनाए वहीं पे कड़ी चावल और लिंगड़े की सब्जी, आजकल पहाड़ों में कॉमन से कहीं भी मिल जाते हैं, तो सबने मिलके जो है सब्जी बनाई खा ली। और आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि जो जानवर रहते हैं आग जलाने के लिए लकड़ी होगी वो सारे जंगलों पर निर्भर रहते हैं, और ऐसी बारिश में जाए तो जाए कहाँ, और पहाड़ों में क्या होता है ना हम लोग गैस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, क्योंकि अभी भी यहाँ गैस की इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है गाँव में, तो जो गैस महीने 2 महीने में आता है तो वो बढ़ा के ख़त्म हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं लकड़ियों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और जानवरों के लिए चारे के लिए जंगल से घास लेके आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दूध भी जो है मार्केट से आता नहीं है, लोगों की जो घर पे जानवर इसलिए पालना पड़ता है क्योंकि मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते कि यहाँ पे हमेशा प्रॉपर वो सर्विस मिलेगी। और आजकल पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत बारिश की होती है, रोड ब्लॉक हो जाता है, और इस ऐसी कंडीशन में अगर कोई बीमार पड़ गया तो मेडिकल की हमारे उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं है, सर्दी जुकाम में लग गया तो श्रीनगर जाना पड़ता है, छोटे मोटे डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन अगर किसी को कुछ बड़ी बीमारी हो गई, पेट दर्द भी हो गया, तो उसके लिए श्रीनगर ही जाना पड़ता है, और अगर श्रीनगर भी हुआ तो हुआ, नहीं कोई भरोसा नहीं है वहाँ भी, उसके बाद वहाँ से देहरादून रिफर हो जाता है, तो पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है आजकल इस टाइम पर हर चीज़ की। थैंक यू। तो भाई अभी शाम की चाय जो है अंशु ने
पिला दिया हमको। इस मौसम में चाय पीने का अलग ही मजा रहता है। बारिश लगी हुई है, कोहरा उठ रहा सामने से, और यहाँ पे लगाते हैं आपके लिए एक टाइमलेस, क्योंकि जो सामने के नजारे हैं वो बड़े तगड़े आ रहे हैं। ये दोनों को यहाँ पे मस्त मजा ले रहे हैं बारिश के, है देख लो दोनों माँ बेटा। क्या बोलो वो मेरू पर आओ तेरू पर आओ मार्क्स तेरो भाई। जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा ना, वैसे वैसे जो है ना मौसम खतरनाक होते जा रहा है देख लो। और ये जंगल के बीच ना, पेड़ों के बीच से देखना किस तरह से कोहरा वोड़ा देख लो आप, ऊपर तक की मतलब रात को भी तगड़ी वाली बारिश होने वाली है भाई। और जो झरना यहाँ से बह रहा था वो भी अभी बंद हो गया है, और यहाँ से जो है ना टूटता भी है कभी कभी, तो यहाँ से अगर टूटा ज़्यादा टूट गया तो बहुत रिस्की है यहाँ से। शाम की होगी 6 और मैं चलता हूँ फिर से रोड साइड कुछ सामान के लिए, तो देखते हैं क्या होता है अभी, क्योंकि भाई मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, जाने में डर लग रहा, पता क्यों, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है। गाँव के नज़ारे देख लो अभी, गाँव की चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और आजकल पेड़ जो है ना इतने खिल गए तो गांव यहाँ से दिख ही नहीं रहा, और गांव के ऊपर से कोहरा भी उड़ रहा है एक तो, नहीं तो यहाँ से गांव जो है ना पहले क्लियर दिखता था, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे खिल गए हैं ना इस टाइम तो कम ही दिख रहा है गांव। और इस साइड ना अभी जो है भाई गधेरा बढ़ गया, अभी थोड़ी देर पहले गया था मैं तो इतना बड़ा गधेरा नहीं था इस साइड, तो अभी जैसे मैं अभी शाम को आया, मैं 2:30 बजे गया था, तो मतलब 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे से कंटिन्यू बारिश थी, तो अभी इस साइड और तगड़ा वाला गधेरा आ गया भाई। आज भी जो है रात को खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, और जो ये वाला गधेरा है ना ये ज़्यादा दूर से नहीं आता है, ये सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है ना यहीं से निकलता है, और लोग इस बारिश में भी जो है ना खेतों में काम ही कर रहे हैं देख लो, लगे हुए हैं खेतों में काम करने में। सनसेट भी होने वाला है, और शाम का नज़ारा देख लो कितना प्यारा आ रहा है यार, ज़बरदस्त वाला जो धूप, सूर्य भगवान जो है बादलों के पीछे से हल्की सी चमक, और दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि जब अभी धूप लगी हुई है, और गांव के नज़ारे भी समय कुछ ज़बरदस्त ही आ रहे हैं। शाम के 7 बज गए, मौसम कैसा खुल गया देख लो पूरा एकदम, अभी ना ऐसी हरियाली आ रही है ना मैं क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त वाली। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, कुछ तो था तो नहीं बट जो भी था, ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब, अच्छा लगना, मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।